जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं मैं, सबसे बड़ी जानकारी दिल दहला देने वाली। जी हां, आप सभी लोगों ने कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि हर सेंटर भर्ती से ये नोटिस वायरल हो रही है, और क्या इसका सच है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी पूरी जानकारी 100% दूंगा। इसमें बताया जा रहा है कि क्या सभी सेना भर्ती और रुकी हुई एग्जाम भर्ती 2022 में होगी, तो क्या वो सही है या गलत है, चलिए उसे पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लड़के सेना भर्ती देख रहे हैं, जैसे बनारस के लड़के वेट कर रहे हैं, बरेली के लड़के वेट कर रहे हैं, रैली भर्तियों के जो जो फॉर्म भर चुके हैं, और अन्य लड़के राजस्थान वगैरह के और बिहार के भी वेट कर रहे हैं कि हमारी भर्ती कब आएगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं ये सेना भर्ती को लेकर जो खबर है क्या सच है या गलत है, और पिछले कुछ दिनों यानी कुछ दिन महीने में गुजर चुका है और कोई अभी अपडेट रुकी हुई सेना भर्ती और एग्जाम को लेके नहीं आई है। ठीक है, तो उसी को लेके मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे भी चलेंगे, देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है, क्या वहां पे भी ये नोटिस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ लेते हैं और इसमें जो दिया गया है क्या सच है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटर का फॉर मोर रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्ट, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जब इस पे कॉन्टेक्ट किया तो इस नंबर पे कमल सिंह लिख रहा था और किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, और जब मैंने इस ईमेल पे मेल किया तो varanasi.aro@gmail.com पे मैंने मेल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिखा है कि द टर्म ऑफ कंडीशन गिवन इन दिस नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, शुड देयरफॉर टू बी ट्रीट गाइडलाइंस ओनली इन द केस एनी एलिजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फाइनल डिक्लेरेशन आल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक फाइनल निष्कर्ष निकल के नहीं आया है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि प्लेस वाराणसी कैंट से ये जारी हुआ है डेट 4 अप्रैल 2022 को, तो ये कराने का डेट नहीं है, यहाँ पे जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुई थी उस दिन का डेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल 2022 यहाँ पे कौन भाई साहब डेट डालता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहीं भी मेंशन नहीं हुआ था कि ये जो भर्ती है इसे पोस्टपोन्ड किया गया है, ये 2022 में होगी, नोटिफिकेशन में अभी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये नोटिस वायरल हुई थी, यहाँ पे डेट चेंज करके इन लोगों ने वायरल कर दिया है, यहाँ पे बस ये नोटिस जारी हुई थी कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी ने भर्ती कराने को लेके अभी यहाँ पे कह रहा है कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म गाइडलाइन को देखते हुए, COVID-19 को और अन्य गाइडलाइन को देखते हुए अभी यहाँ पे फाइनल नहीं किया, और हालांकि वाराणसी कैंट पे गए थे तो वहां पे ग्राउंड की सफाई जोरों शोरों से हो चुकी थी, यानी ग्राउंड सही हो चुका था। ठीक है, तो इस यहाँ पे दे भी दिया है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वहां पे डीएम का साइन है और एआरओ वाराणसी का जो है हेड उनका साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे दे भी गया था, और इसने बोला कि ये आर्मी के साइट पे मिलेगा, अवेलेबल है, लेकिन मैंने पूरी आर्मी की साइट यहाँ पे जाके छान मारा, आर्मी के साइट पे कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था। देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैंने आर्मी की साइट पूरी जाके छान मारी, ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि सभी लड़कों की जो भर्ती है 2022 में होगी। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ बातें सच लग भी रही हैं, क्योंकि लड़के जो है वो कई महीनों से एग्जाम का वेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम की अब तक कोई नोटिस नहीं आई। पिछले एक महीने से मैं लगातार बना हूं वेबसाइट पे और सेंटर द्वारा कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करता रहता हूं और जानकारी लेता रहता हूं। ठीक है, तो अभी, और हाँ, जब से वाराणसी की जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, बरेली वालों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म भरा है, और अन्य दो चार स्टेटों में जो लड़कों ने फॉर्म भरा है उनका एडमिट कार्ड को भी लेके कोई डेट नहीं है। पोस्टपोन की डेट आई थी, सबको पता चल गया था, आर्मी की साइट पर भी आई थी, लेकिन अभी ऐसी इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो लड़कों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखें, ठीक है, सब्र को ना खोएं, ठीक है, अपने मन को ना खोएं, धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, बस कुछ महीने और की बात है। ठीक है, उसके बाद तो वर्दी आपके पास ही होगी। और अगली बात बता दूं कि हाँ, जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसे सही जानकारी हमारे चैनल ही द्वारा दिया जाता है, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसपे आर्मी के सारी अपडेट ओरिजिनल दी जाती है। साथ ही में कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके दबा देंगे तो सारी अपडेट देंगे, जी के लाइव क्लासेस, क्वेश्चन पेपर, फ्री पीडीएफ, फिजिकल, मेडिकल एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलता है,
रैली नोटिफिकेशन सबको TACS सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को जानकारी आई होप समझ में आ गई होगी। और क्या सस्ता क्या झूठा, तो अफवाह पे भरोसा ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल न्यूज बस उसके वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में आती है। ऐसे अगर फर्जी PDF में कोई एडिट करके अपलोड कर देता है तो उस पर भरोसा ना करें, इस बातों का ध्यान रखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज से लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं GD क्लर्क ट्रेडमैन की, तो प्रैक्टिस सेट बैच भी फ्री में स्टार्ट है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन दबा दो ताकि शाम से आपको लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।